लंबे अरसे से लोगों को फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना पसंद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित जो रहता है। हालांकि आजकल लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने लगे हैं, लेकिन फिर भी एफडी की तरफ रुझान कम नहीं हुआ है। तो आज हम आपको ऐसे ही दो तरीके बताएंगे जहां आपको रिटर्न के साथ सुरक्षा भी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक SBI की एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम, यानी कि वार्षिक जमा योजना की। ये एक मंथली स्कीम है जिसमें ग्राहक एक साथ पैसा जमा कर सकते हैं, जिसके बाद साल के आखिर में मूल और ब्याज दोनों को मिलाकर एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। इसमें पैसा 36, 60, 84 या 120 महीनों के लिए लगाया जा सकता है। इस स्कीम में ग्राहक को 5.45% से लेकर 5.5% तक ब्याज मिल सकता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 5.95% से लेकर 6.3% तक का ब्याज मिलेगा। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यानी कि MIS की। इस स्कीम के लिए एक MIS खाता एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 लोग मिलकर खोल सकते हैं, यानी कि 3 लोग मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 1,000 रुपए या उसके मल्टीपल्स में रकम होनी चाहिए, यानी कि अमाउंट 1,000, 2,000, 3,000 कितना भी हो सकता है। सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है, जबकि जॉइंट खाते में 9 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट दी गई है। इस स्कीम में ग्राहक को 6.6% का ब्याज मिलेगा और इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होगा। 5 साल तक हर महीने ग्राहक को ब्याज मिलेगा, यानी कि SBI की स्कीम में आपको एक साथ पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। तो वहीं पोस्ट ऑफिस स्कीम में आप कम पैसे भी लगा सकते हैं। तो हुई ना आपके फायदे की बात।